ये छोटका दूजो जय साथियों, आपके अपने YouTube चैनल वीरुद्दीन आर्मी फिजिकल एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, जैसे कि आप 1600 मीटर रेस की तैयारी करते हैं तो 1600 मीटर रेस में स्टेप रनिंग कैसे करें। तो साथियों, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिले। तो साथियों, आपको स्टेप रनिंग कैसे करना है, स्टेप रनिंग करने से आपको क्या फ़ायदा होता है। तो साथियों, जैसे कि आप स्टेप रनिंग करते हैं तो स्टेप रनिंग करने से सबसे पहले नंबर पर आपको चतुराई मिलता है, टेक्निक मिलता है कि आप जैसे बीच में कहां से रहेंगे, कहां पर डालेंगे, कब आपको कैसे दौड़ना है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको टेक्निक मिलेगा साथियों, और दूसरे नंबर पर आपके दौड़ने की स्टेमिना बढ़ती है, क्योंकि यह स्टेप रनिंग आपकी रनिंग में जान डाल देता है। और साथियों, तीसरे नंबर पर आपके दौड़ने की सहनशीलता बढ़ती है। जैसे कि आप पेस रनिंग करते हैं, स्टेप रनिंग करते हैं तो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3000 मीटर ऐसे स्टेप रनिंग करते हैं, तो क्या होता है, इसमें आपकी दौड़ने की स्टेमिना बढ़ती है। तो यह आपकी स्टेमिना बढ़ाती है, आपकी सहनशीलता बढ़ाती है, और आपको टेक्निक मिलता है। टेक्निक बहुत मायने रखता है, और स्टेमिना आपके रेस में जान डाल देता है, और आपकी सहनशीलता जब बनी रहेगी तो आप रेस कहीं से भी लगा सकते हैं। तो पेस रनिंग करते समय, स्टेप रनिंग करते समय आपको यही चीज़ मिलता है कि आपकी दौड़ने की सहनशीलता, स्टेमिना और टेक्निक आपको मिल जाता है। तो आप जैसे 5000 मीटर, 1600 मीटर, 10000 मीटर रेस की तैयारी करते हैं तो आपको पूरा टेक्निक जब मिला रहेगा तो आपको 1600 मीटर 4:40, 4:50, 5 डाउन करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि साथियों, जब आपके अंदर यह तीनों भर जाएगा तो आपको दौड़ने से, अच्छा दौड़ लगाने से कोई रोक सकता नहीं है। तो साथियों, यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में घंटी को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिले। जय हिंद, जय भारत।